हाँ बेटा, हम रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल में हमारा ये क्वेश्चन रह गया, बस ये क्वेश्चन हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो बाकी क्वेश्चन हमने सारे कर लिए, ये आपको दे दिए। कोई एक आधा अगर रह गया तो वो अब आप खुद करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेलेवेंट कॉस्टिंग का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, ये आज तक का सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है। तो डिपेंड करता है, अब आपको शायद समझ आ जाए, आसान लगे, तो ये अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन को एक दफा आप लोग खुद पढ़ ले, जरा तसल्ली से एक दफा खुद रीड कर ले, क्वेश्चन को एक दफा खुद रीड कर ले, पहले रिक्वायरमेंट और फिर ऊपर से बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। एक दफा क्वेश्चन आप खुद पढ़ ले, नहीं भाई लिंक नहीं भेजना, किसी को नहीं भेजना लिंक, ठीक है, किसी को लिंक नहीं भेजना, बल्कि आपकी भी छुट्टी कराने लगे हैं जो साहब यहाँ पे हैं। कौन है आप? ऑनलाइन की सहूलत ही नहीं है, मैं एक तरफ फोकस करके पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आप कौन है? आइंदा नहीं ज्वाइन करना आपने, मैं निकाल रहा हूँ अब आपको। क्लास में आए क्लास में आए, ये क्या तरीका है? घर बैठ के लिंक शेयर करना है, किसी को इजाजत नहीं है ज्वाइन करने की ऑनलाइन, अनलेस अंटिल मैं ऑनलाइन क्लास ना रख दो। सुस्त कौन? लिंक भेजना है। अगर तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में से हैं तो ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए बैठे। वैसे ये ऑनलाइन की सहूलत नहीं है, ये दो तरफ नहीं मैं देखूंगा ना मैं फिर। अच्छा, मैं उन्हें कहता हूँ लिंक ही सारी चेंज कर दे ताकि आप ज्वाइन ना कर सकें। सुस्त फॉर्म उठती नहीं है, आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी को भी इजाजत नहीं है ऑनलाइन लिंक के जरिए ज्वाइन करने की, चाहे आपके हाथ में लिंक हो। चलो कौन नहीं आ सकते जी, ज्वाइन भी करेंगे तो बाहर ही बैठे रहेंगे जी। कहता है क्वेश्चन को पढ़ें जी बेटा जरा ऐसे तो फिर मैं भी घर बैठ के पढ़ाई जाऊं। पढ़ लेंगे क्वेश्चन, जी पढ़ लिया क्वेश्चन आंसर देख देख के नहीं करना बच्चे, आंसर नहीं देखे प्लीज, क्वेश्चन देख पढ़ो। मिठाई नहीं लाई तुम? शेख होनी है? नहीं नहीं लगती थी शेख, शेख नहीं है,
तुमने मिशनी बन के पेपर पास कर लिया है। बड़ी गल मेनू याद रहना, मेनु ए नहीं याद रहा मैं कल किनिया बोटियां खादिया है, खादी के नहीं खादी। मुझे क्या याद रहना कौन कौन से बच्चे ने पेपर दिया है पीएससी का, मैं को बच्चे याद ताड़े ने है। वो तो अचानक उसने मुझे बताया वो लड़का नहीं आया, अच्छा तो फिर मुझे याद आया कि तुमने भी पेपर देना था है? वो भी नहीं आया, तुसी दो में शेख थे नहीं है। अच्छा चलो और सवाल पढ़े, ठीक है अब नहीं हम कहेंगे, अब आप लाएंगी तो फिर हम खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे। और मेरे लिए ना ले आना, सारी क्लास के लिए लाना है 5 किलो का टोकरा। उन्होंने कहना मैं नहीं लेके आना है। अच्छा बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल, आप अपनी खुशी में सबको मिलाते हैं ताकि लोग पेट से दुआ करें और आइंदा भी आपके लिए आसानियां हो, ठीक है। पेट से मतलब पेट में जाएगा कुछ तो दुआ निकलेगी ना, है हंस रही है। अच्छा कहता है जी बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल कैलकुलेट यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस से क्या मुराद है, यूनिट प्राइस यूनिट कॉस्ट नहीं का, यूनिट यूनिट प्राइस का मतलब सेल प्राइस पर यूनिट बतानी है। कहता है रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए सेल प्राइस पर यूनिट बताएं दैट TLTL कंपनी का नाम है टोपाज लिमिटेड कुड बिड फॉर द स्पेशल ऑर्डर टू पर लिमिटेड। पर लिमिटेड इनका एक कस्टमर है, पर लिमिटेड इनका एक क्या है कि उसका जो स्पेशल ऑर्डर है उसके लिए ये क्या प्राइस कोट करे। मिनिमम प्राइस नहीं कहा उसने, सेल प्राइस क्या है या यूनिट प्राइस क्या है। अब अगर आप ऊपर से डेटा पढ़ें तो वो कहता है टोपाज लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ठीक है मैन्युफैक्चरर है। पर लिमिटेड वन ऑफ द मेजर कस्टमर्स हैज इनवाइटेड TL टू बिड फॉर अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ 1,50,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बीटा। ये कितने यूनिट्स का ऑर्डर है, प्रोडक्ट का क्या नाम है, प्रोडक्ट का नाम है तो इसका मतलब है टोपाज लिमिटेड को इनके कस्टमर ने ऑफर दिया कि आप मुझे 1,50,000 यूनिट बना दें, किस प्रोडक्ट के बीटा के बना दें, और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बिड। तो टोपाज लिमिटेड ने ये डाटा आपको दिया है सारा, उसमें जो पहला पैराग्राफ है ये किस चीज का है, अगर मैं आपसे पूछूं मटीरियल सी का या मटीरियल का, वैसे ही अगर पूछूं दूसरा पैराग्राफ किस चीज का है, लेबर का, तीसरा नजर ही आ रहा है वेरिएबल ओवरहेड्स का, चौथा फिक्स्ड ओवरहेड का, पांचवा कुल लॉस शॉस का जिक्र है, उसके बाद छठा, हाँ जी छठे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि कंपनी का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेट जो आपने उसमें ऐड करना है, ठीक है। सिंपल देखने में अपेरेंटली सवाल में वही एलिमेंट्स है मटेरियल लेबर वेरिएबल FOH फिक्स्ड FOH, और उसके बाद अब ये जो लॉस है, अगर तो ये मटेरियल का लॉस हुआ तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, अगर ये लॉस लेबर का हुआ तो इस पैराग्राफ के साथ अटैच हो जाएगा, अगर ये लॉस प्रोडक्ट का हुआ, किसका हुआ, तो फिर वो ये यूनिट्स के साथ, प्रोडक्ट के यूनिट्स हम थोड़े ज्यादा बनाएंगे, फिनिश गुड्स का लॉस मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये ध्यान से पढ़ने पैराग्राफ, अगर ये मटेरियल का लॉस हुआ तो मटेरियल सी का जिक्र होगा इसमें, अगर ये लेबर का लॉस हुआ तो लेबर का जिक्र होगा, अगर ना मटेरियल का जिक्र है ना लेबर का तो फिर ये प्रोडक्ट का लॉस है यानी यूनिट का लॉस है, मुकम्मल यूनिट का, ठीक है। तो सबसे पहले यही वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि लॉस मटीरियल का है तो इस पैराग्राफ के साथ नथी हो जाएगा, नथी मीन्स अटैच, लेबर का हुआ तो ये पैराग्राफ टू के साथ अटैच होगा, और अगर प्रोडक्ट का हुआ तो ये फिर जो यूनिट्स हैं ये आप थोड़े से ज्यादा बनाएंगे, थोड़े से क्या करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट का लॉस भी मैंने आपको बताया था, अब मुझे नहीं याद मैंने कब बताया था लेकिन ये मैंने आपको लॉसेस बताए थे, बल्कि ये देखें शायद ये होगा, हाँ ये सबसे पहला ये मैंने टारगेट कॉस्टिंग में बताया था, फिनिश प्रोडक्ट की वेस्टेज बताई थी, ये फिनिश प्रोडक्ट की वेस्टेज मैंने कहा था टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू होते हैं गुड यूनिट्स
प्लस नॉर, ये हमने की भी थी कैलकुलेशन। अच्छा, उसके बाद मटेरियल की भी वेस्टेज होती है, लेकिन वहां पर वो फिर फिक्रा मटेरियल, एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है, लेबर की भी वेस्टेज हो सकती है, ये एग्जांपल्स भी की थी, और आखिर में मैंने आपको लेबर के टाइम की वेस्टेज बताई थी। तो ये सारी वेस्टेज आपने दोबारा रिवाइज कर लेनी है एक दफा जाके, ये हमने किस तारीख को की थी। अगर हम इसकी डेट देखें जरा, तो 8 जून 2022 ये उस दिन की थी, अभी तकरीबन महीना भी नहीं हुआ, या महीना हो गया तकरीबन, ठीक है, 8 जून 2022 को की थी टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है, 8 जून 2022 को। तो 8 जून का लेक्चर जाके दोबारा जरा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वेस्टेज का इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए, और जब ये वेस्टेज इस तरह आ जाए तो आपने इनपुट में कॉस्ट को कन्वर्ट करके वेस्टेज शामिल करके कॉस्ट लेनी होती है। तो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, चलें ठीक है। वो कहता है द नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड टू बी 4% ऑफ इनपुट क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है, एंड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। जी, वो कहता है नॉर्मल लॉस पकड़ा कब जाता है, जब इंस्पेक्शन होती है, विच इज कैरिड आउट व्हेन यूनिट इज 60% कंप्लीट। यूनिट से मुराद प्रोडक्ट का यूनिट है, यूनिट से मुराद प्रोडक्ट का यूनिट है, रॉ मटेरियल नहीं लिखा हुआ। वो कहता है नॉर्मल लॉस 4% होता है, और वो तब पकड़ा जाता है जब चीज कितने परसेंट कंप्लीट है, मटेरियल कब ऐड होता है, बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब है कि मटेरियल कितने परसेंट लग चुका होगा, ये जो जाया होने वाले यूनिट है इन पे मटेरियल 100% लग चुका होगा, कन्वर्जन कितनी लगी होगी, यानी लेबर के बाद, लेबर मटेरियल के बाद लेबर ओवरहेड्स, जी कितनी कन्वर्जन कितनी लगी होगी। वो कहता है लेबर एंड ओवरहेड्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर आपकी इंस्पेक्शन 60% पे हो रही है इंस्पेक्शन स्टेज, तो मटेरियल 100% लगा हुआ है, लेबर FOH इससे आगे नहीं लगी, लेबर FOH कितने परसेंट लगी है, ये नॉलेज हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में हासिल किया था कि अगर आपके लॉस इंस्पेक्शन के पॉइंट पे पकड़े जाए तो इंस्पेक्शन से आगे उन पे कन्वर्जन नहीं लगेगी। मटेरियल 100% कैसे पता चला, लग चुका है, बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस पे मटेरियल सारा लग जाता है। तो लॉस वाले यूनिट पे बात कर रहा हूँ, कंप्लीट यूनिट पे नहीं, ये जो 1.5 लाख कंप्लीट यूनिट होंगे यूनिट्स प्रोडक्ट के, इन पे मटेरियल भी पूरा लगा है, कन्वर्जन भी पूरी, लेकिन ये जो लॉस वाले यूनिट है इन पे मटेरियल कितना लगा है, 100%, और कन्वर्जन कैसे पता चला, 60% लगी है, वो उसने कहा हुआ है कि इंस्पेक्शन की ही तब जाती है यूनिट की, यूनिट मींस प्रोडक्ट के यूनिट की, जब वो 60% कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पे कोई मटेरियल सी का जिक्र आ जाता तो फिर मैं इसको मटेरियल के साथ अटैच करता, अब ना इसमें मटेरियल की वेस्टेज है ना इसमें लेबर की, बल्कि इसमें प्रोडक्ट की वेस्टेज है। तो ये 1.5 लाख यूनिट्स पे इम्पैक्ट आएगा इसका, कितने यूनिट्स पे, 1.5 लाख यूनिट्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा। चलो, और वो इम्पैक्ट क्या आएगा वो अब हम करते हैं, मैं पैराग्राफ पढ़ता जाऊंगा और ट्रीटमेंट करता जाऊंगा, अब तो नहीं तो वो तकरीबन को आधा घंटा पढ़ने में लग जाएगा। सबसे पहले आप सब फॉर्मेट बनाएं, सब बच्चे पहले फॉर्मेट बनाएं, हाँ जी, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएं, कंपनी का नाम है टोपाज लिमिटेड,
जी, मटेरियल लेबर वेरिएबल एफओएच एडिशनल फिक्स कॉस्ट टोटल करें और प्रॉफिट ऐड करें, तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं बस। अभी हमने यहां पे कोई फिगर्स पुट नहीं की, सिर्फ फॉर्मेट बनाया है। तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, टोटल बिड अमाउंट आ जाएगी, यानी टोटल सेल वैल्यू। हमें पर यूनिट चाहिए, तो डिवाइडेड बाय यूनिट्स जो कस्टमर को डिलीवर करने हैं, सेल यूनिट्स। कस्टमर को जितने यूनिट्स डिलीवर करने हैं उससे डिवाइड कर दें। ये बताएं यार, उनको बताया जाए, उन्हें कहें यार वो तो चला दो आके भाई। बेटा ये मटेरियल की कॉस्ट लिखी, लेबर की कॉस्ट लिखी, वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट लिखी, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट को डिवाइड किस पे किया, प्लस किया प्रॉफिट, तो टोटल सेल वैल्यू या टोटल बिड की अमाउंट आ गई। क्योंकि हमने कस्टमर को 1.5 लाख यूनिट बना के देने हैं, तो सेल यूनिट्स पे डिवाइड कर दें। 1,50,000 यूनिट्स पे डिवाइड करें तो ये सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग का बनाया, ये पहले भी बनाया है, ये हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग में आपको बताया था। मेरा ख्याल है ये कौन से सिचुएशन का सवाल है जी, किसी को याद हो? सेकेंड वाली है, पहली वाली में डिवाइस करना है, दूसरे में बिड प्राइस निकालनी थी, लेकिन हमने फॉर्मेट यहां तक पढ़ा हुआ है, आगे उसने पर यूनिट का है बस, तो कोई मसला नहीं, आप डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने बना लिया है, अब इसमें हम फिगर्स प्लग इन करते जाएंगे, मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल एफओएच की। ठीक है, तो आज जनाब सबसे पहले ये जो नॉर्मल लॉस का पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, इसका ट्रीटमेंट करना है। ये नॉर्मल लॉस किस चीज का, मैंने क्या बताया, ये रॉ मटेरियल का है कि प्रोडक्ट का लॉस है। अब जब प्रोडक्ट का लॉस आता है तो आपने कस्टमर को कितने यूनिट डिलीवर करने हैं, कस्टमर को कितने डिलीवर करने हैं, वही आपकी सेल है। लेकिन आप प्रोड्यूस 150 नहीं करेंगे, लॉस की वजह से यू विल प्रोड्यूस मोर यूनिट्स, और वो उनमें से कुछ खराब निकल आएंगे। बाकी कस्टमर को डिलीवर करने के लिए जो गुड यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 150। तो अब प्रोड्यूस हम कितने करेंगे वो आपको निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 करें कि लॉस की एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर हेडिंग दें टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, हम यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। हम 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम 1.5 लाख यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने जो 8 जून को फॉर्मेट पढ़ा था वही मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पे, वो ये फॉर्मेट था, गुड यूनिट्स रिक्वायर्ड, यही वाला फॉर्मेट, बस इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यही वाला फॉर्मेट। तो बनाए आप लोग ये फॉर्मेट, आप तो जीरो से ही लिखेंगे, मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूं ताकि ये बता सकूं कि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जी, तो लॉस कितने परसेंट था, 4% ऑफ इनपुट। तो पहले परसेंटेजेस डिफाइन करेंगे। हाँ जी, ये 4% आएगा, 100% क्या लेना है, कैसे पता चला 100% इनपुट होगी, कैसे पता चला 100% इनपुट होगी,
4% के बाद जो बेस लिखी हुई है वो इनपुट का हुआ था, ये बेस से। ऑफ के बाद वाली जो बेस है इससे पता चलता है। अगर साइलेंट हो तब भी 100% इनपुट को ही लेना है, लेकिन ऑफ के बाद वाली बेस से ऊपर कितना होगा? 96%। अच्छा जी, अब आपको गुड यूनिट्स कितने चाहिए कस्टमर को डिलीवर करने के लिए? 1,50,000 यूनिट हमें चाहिए ही चाहिए गुड यूनिट्स, ताकि हम कस्टमर को डिलीवर कर सकें। प्रोड्यूस कितने करेंगे वो अब आपने यहाँ निकाल लेने जी, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स मेरा ख्याल है 1,50,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 96% इनटू, ये यूनिट्स निकल आएंगे। चेक करें, नहीं आते हैं? अगर मैंने 1,50,000 नीचे लिख दिया ना तो ऊपर कम यूनिट निकल आएंगे। आपको गुड यूनिट 1,50 चाहिए, 1,50 आपको गुड यूनिट्स चाहिए कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। तो अगर किसी बच्चे ने 1,50 को नीचे लिख दिया तो ऊपर वाले यूनिट कम निकल आएंगे। और बहुत दिए हुए हैं, गुड यूनिट्स दिए होते हैं, हमें ये प्रोडक्शन वाले चाहिए होते हैं। अब जिसका ये गलत होगा इसका मतलब है उसने पढ़ा ही नहीं, पिछले लेक्चर रिवाइज कोई नहीं किए हुए, वो ऐसे ही मुंह उठा के आ गया बच्चा। फिर ऐसे स्टूडेंट का पास होना तकरीबन नामुमकिन ही होता है जिसको पिछली चीजें याद ना हो, बस आगे भागी जा रहा है वो और पिछली चीजें रिवाइज नहीं कर रहा। तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ये रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं सिखा रही, ये टारगेट कॉस्टिंग ने हमें सिखाया था एक दफा कि वेस्टेज कैसे एडजस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अब हम हर जगह ये यूज करते हैं। तो ये आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है जितनी आप स्टार्ट करेंगे 1,56,250, इसमें से गुड यूनिट्स कितने हैं? जब ये बनेंगे इनमें से गुड कितने बनेंगे? 1,50। और खराब यूनिट कितने बनेंगे? 6,200। इस पे मटेरियल कितना लगा होगा? मटेरियल 100% कन्वर्जन, इस पे मटेरियल कितना लगा होगा? मटेरियल कितना लगा होगा और कन्वर्जन भी 100, इसलिए इसके साथ लिखना जरूरी नहीं है जब 100% है, क्योंकि ये यूनिट कंप्लीट होंगे तो इन पे 100% मटेरियल लगा होगा, बताया तो नहीं उसने। जब यूनिट्स मुकम्मल हो जाए और सही हो तो वो 100% कंप्लीट होते हैं, इसके बारे में उसने कह दिया मटेरियल 100%, कन्वर्जन कितनी है, लेकिन ये अभी इस्तेमाल नहीं होनी, ये कहीं और इस्तेमाल होनी है। ये वैसे मैंने लिख तो दिया लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होनी, इस्तेमाल ये वाले यूनिट होने हैं अभी। अब आपको जहां पे भी यूनिट्स की जरूरत है ना वो 1,50,000 काउंट नहीं होंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स की जरूरत है तो 1,56,250 यूनिट काउंट होंगे। कितने यूनिट काउंट होंगे? इसने खुद कहीं नहीं आना, ये वर्किंग ने यहाँ नहीं आना, लेकिन ये जो मटेरियल लेबर ये सारी वेरिएबल कॉस्ट जो मैं लिखूंगा ना ये 1,56,250 यूनिट्स के हिसाब से लिखूंगा। 1,50 के हिसाब से क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि प्रोड्यूस करने पे जो भी कॉस्ट लग रही है ये तीनों प्रोडक्शन कॉस्ट है। ये मैं क्यों नहीं लूंगा प्रोडक्शन के हिसाब से? क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में लेके चल, तो ये 1,56 के हिसाब से कैलकुलेशन होनी है। अब तो जब भी वेस्टेज आ जाए तो प्रोडक्शन यूनिट सेल यूनिट से थोड़े ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन यूनिट सेल यूनिट से थोड़े से क्या होंगे? आ जाए, अब वर्किंग नंबर 2 करनी है, बाकी अब आप ऊपर खुद ही लिखेंगे, मैं सिर्फ वर्किंग्स कर रहा हूँ। वर्किंग 2 मटेरियल कॉस्ट, तो ये वर्किंग 2 या नोट 2 में आ जाएगी, ये वर्किंग 3 होगी, ये वर्किंग 4 होगी, ये वर्किंग 5 होगी, और हमारा सलूशन फिर अच्छा प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20% ऑफ सेल प्राइस है, ठीक है, ये अब आपने खुद ऐड करना है। मैं सिर्फ ये 4 वर्किंग करने लगा हूँ बस, मैं सिर्फ क्या करूँगा ये 4 वर्किंग। आ जाए जी जरा पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में वो। ईच यूनिट ऑफ बीटा रिक्वायर्स 0.5 kg ऑफ मटेरियल सी, हर यूनिट में कितना मटेरियल लगेगा? 0.5
तो टोटल क्वांटिटी सबसे पहले निकाल लेते होते हैं, टोटल क्वांटिटी मटेरियल सी की कितनी चाहिए बताओ मुझे, टोटल आपको स्पेशल ऑर्डर के लिए मटेरियल सी की क्वांटिटी कितनी चाहिए। एक यूनिट पे 0.5 केजी लग रहा है, एक यूनिट बनाने पर 0.5 केजी लग रहा है मटेरियल, तो टोटल कितने केजी चाहिए आपको? 75,000 केजी, 78,100, ये 78,125 कैसे निकाला है इन्होंने? हाँ जी, टोटल मटेरियल की जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, टोटल मटेरियल की रिक्वायर्ड क्वांटिटी केजीस, एक यूनिट पे 0.5 केजी लगना है, एक यूनिट पे कितना लगना है, और ये 1.5 लाख पे भी 0.5 पूरा लगना है और इस पे भी पूरा ही लगना है, थोड़ा कम नहीं ना लगना, पूरा लगना है। तो 1.5 लाख यूनिट पे नहीं लगना बल्कि 156,250 यूनिट्स पे आपका मटेरियल लगना है टोटल 78,100। जो बच्चा 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करेगा वो गलत कर रहा है, वो समझ रहा है कि ये वाले यूनिट पे मटेरियल नहीं लगा, हालांकि लगा है। ये ऐसे भी लिख सकता हूं मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? ये वो मटेरियल है जो गुड यूनिट्स पे लगेगा। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? ये वो मटेरियल है जो लॉस वाले यूनिट पे लगेगा, और लगा है 100% लगा है। इसलिए मैंने ये तकसीम करने में सिर्फ टाइम जाया होता है, मैंने इसलिए टोटल इकट्ठा कर दिया, और आपने भी ऐसे ही किया होगा। 0.5 केजी इनटू 156,250, इतना मटेरियल चाहिए आपको। अब देखना पड़ेगा कि ये मटेरियल हम बनाते हैं कि खरीदते हैं, बनाते हैं तो क्या कॉस्ट आएगी खरीदते हैं। तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है, दिस मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड, इदारा ये मटेरियल इंटरनली प्रोड्यूस करता है। तो मैंने रूल बताया था क्या रेलेवेंट कॉस्ट होती है, इदारा अगर मटेरियल प्रोड्यूस करता है तो उस मटेरियल को बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट रेलेवेंट होती है। तो उसने आगे लिखा हुआ है, इदारा ये मटेरियल प्रोड्यूस करता है बैचेस ऑफ 25,000 केजी ईच। इसका मतलब है एक बैच में कितने केजी बनेंगे? 25,000, ना कम बनेंगे ना ज्यादा, 25-25 के बैचेस बनते हैं। आगे बनाने की कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब इसको बैच में जो भी केजी बनता है, एक केजी को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो मैंने आपसे कहा था जब आप रॉ मटेरियल बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो लाजमी लेनी है फिक्स, अगर एडिशनल दी हो इसकी। आगे वो कहता है सेटअप कॉस्ट पर बैच, एक बैच की सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट होती है प्रोडक्शन से पहले मशीन को प्रिपरेशन करना। तो एक बैच की सेटअप कॉस्ट कितनी है? तो ये सेटअप कॉस्ट भी वेरिएबल है, लेकिन ये पर केजी पे नहीं दी हुई, ये किस पे दी हुई है? तो जितने नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा बनेंगे ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेटअप क्या होगी, ज्यादा। यहां तक तो उसने दो कॉस्ट बताई हैं अभी तक, कौन कौन सी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट एक केजी की, और बैच बनाने की सेटअप कॉस्ट। कहता है मटेरियल सी कुड बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 225 रुपए पर केजी। मटेरियल सी को मार्केट में बेचा भी जा सकता है, बेचा भी कितने का, तो ये उसकी सेल प्राइस है। आगे या स्क्रैप कह दो। नेक्स्ट, टीएल हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख केजी ऑफ मटेरियल सी। कंपनी के पास कितने केजी की कैपेसिटी है, कितने केजी की कैपेसिटी का मतलब है ये 1 लाख केजी से ज्यादा नहीं बना सकते, 1 लाख केजी से 25,000 का बैच हो तो कितने बैचेस बनेंगे, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बैचेस बन सकते हैं, 4, मैक्सिमम 4 बैचेस बन सकते हैं फैक्ट्री में। और करंट डिमांड, करंट डिमांड का मतलब है प्रेजेंटली मार्केट में बना बना के ये बेच रहे होंगे, करंट डिमांड का मतलब है इतने मार्केट में बिक सकते हैं, ये बिक रहे होंगे। तो मटीरियल सी की इस वक्त करंट डिमांड मार्केट में कितनी है, डिमांड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट में बिक रहे, बल्कि आप इतने केजी मार्केट में बना के बेच सकते हैं मटेरियल सी। मटेरियल सी बिकता भी है मार्केट में, इस कंपनी का मटेरियल सी जो है वो मार्केट में बना बना के क्या करते हैं, ये
ये कितने बैचेस में बन रहे हो? तो हम ये बात कर रहे थे कि कंपनी के एक यूनिट बनाने पे 0.5 केजी मटेरियल सी लगता है। कंपनी मटेरियल 25,000 केजी में बनाती है और कंपनी प्रेजेंटली 3 बैचेस बना के मार्केट में बेच रही भी। कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है। एक बैच बनाने की कंपनी के पास क्या है? स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है। और जो कंपनी मटेरियल सी बनाने पे 200 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, एक बैच की सेटअप कॉस्ट लगती है, और जो भी मार्केट में कितने प्रोड्यूस करके कंपनी बेच रही है मार्केट में, जो के 3 बैचेस में कंपनी के पास जिसमें में बेच रही और कैपेसिटी कितनी है? अब आपको अगर ये ऑर्डर
स्पेयर कैपेसिटी में से कितने प्रोड्यूस करेंगे? यूज फ्रॉम, बल्कि हम कहते होते थे यूज फ्रॉम, यूज फ्रॉम स्पेयर कैपेसिटी। टोटल हमें चाहिए 78,125 केजी, और उसमें से 25,000 केजी को हम स्पेयर कैपेसिटी में से प्रोड्यूस करेंगे, बाकी रह गया 53,125 केजी। उसके लिए क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं। जी बताएं जी, अब ये जो 25,000 केजी आप प्रोड्यूस करेंगे और पहले प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, इसको प्रोड्यूस करने पे क्या क्या कॉस्ट आएंगी? 25,000 केजी को प्रोड्यूस करने पे क्या क्या कॉस्ट आएंगी? एक तो 200 रुपए पर केजी के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और 80,000 रुपए की पर बैच कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये एक बैच ही है। तो टोटल कर लें, चेक करें, यही आता है 5080000। 25,000 केजी को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 200 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, और ये सेटअप कॉस्ट एक बैच की मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये 25,000 केजी एक बैच में बन जाएंगे, और एक बैच में बनाकर हम बेच रहे हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी 53,000 अब आपको कहां से, ये 25 तो इसमें से बना लिए, बाकी 53,000 अब आपको कहां से पूरे करने पड़ेंगे? जो पहले आप प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते थे ना, अब आप प्रोड्यूस करके यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे? क्या नाम है, यूज फ्रॉम मार्केट डिमांड। इसका क्या मतलब है यूज फ्रॉम मार्केट डिमांड, कि आप उसको मार्केट में बेच सकते थे बना के। पहले हम बनाकर मार्केट में 53,125 केजी हम बना के बेच रहे हैं पहले, अब हम इसको बना के बेचने की बजाय बनाकर क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो पहले हम 75,000 केजी पूरे का पूरा, जो भी केजी था, जितने भी केजी थे ये 75,000 केजी, हम इनको मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोड्यूस करके मार्केट में क्या कर रहे थे, सेल। स्पेशल ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, हम इसे प्रोड्यूस करेंगे और सेल करने की बजाय अपने स्पेशल ऑर्डर पे क्या कर लेंगे, तो चेंजेस रेलेवेंट होती हैं। क्या रेलेवेंट होती हैं? प्रोड्यूस तो पहले भी होना था, अब भी होना है, तो प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, प्रोड्यूस करने की जो टोटल 75,000 केजी प्रोड्यूस होगा, 75,000 केजी ने पहले बिकना था, अब उस 75,000 केजी में से 53,125 केजी बेचने की बजाय आप अपने स्पेशल ऑर्डर पर क्या कर लेंगे, यूज करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे चेंज क्या आएगा? ये चेंज है, प्रोड्यूस करना चेंज नहीं है, प्रोड्यूस करना चेंज नहीं है, प्रोड्यूस पहले भी हो रहा था, पहले प्रोड्यूस होकर बिक रहा था, अब प्रोड्यूस होकर क्या होगा? तो आपको बता सकता है इसमें चेंज क्या आएगा, या इसका इंपैक्ट इदारे के लिए क्या होगा? इसमें से 75,000 केजी में से जब हम 53,125 केजी मार्केट की डिमांड में से यूज करेंगे, तो उसका चेंज ये आएगा कि ये जो आप मार्केट में सेल कर सकते थे, सेल रेवेन्यू या स्क्रैप वैल्यू, फॉरगॉन स्क्रैप कह दो, सेल वैल्यू कह दे, प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों नहीं लेनी? प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए नहीं लेनी क्योंकि पहले भी प्रोड्यूस होकर बिक रहा था, अब भी प्रोड्यूस होकर यूज होगा। दोनों केसेस में प्रोड्यूस करना इज अनअवॉइडेबल, प्रोड्यूस करना वैसे भी कॉमन है, कॉमन एक्शन है, तो जो काम कॉमन हो दोनों प्रपोजल में वो रेलेवेंट नहीं होता। तो प्रोड्यूस करके बेचते थे, अब प्रोड्यूस करके जब यूज करेंगे तो यूज करने की वजह से आपको 225 रुपए पर केजी के हिसाब से स्क्रैप वैल्यू ऑफ फॉरगॉन होगी या सेल वैल्यू ऑफ फॉरगॉन होगी, और प्रोड्यूस करने की कॉस्ट इसकी रेलेवेंट नहीं होगी, वो लगनी थी पहले भी लगनी थी और अब भी लगेगी। बताएं जी टोटल कितना आता है, ये कितना आता है, क्या आपको बात समझ आई है? मैंने क्या किया, पहले स्पेयर में से क्यों लिया? अगर आप पहले उसमें से ही लेने लग पड़ते ना 78,175 के लिए, चलो 75 हुई, तो इसका मतलब है आप अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। अब आपने अपना नुकसान किया है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा
कम नुकसान होगा क्योंकि आप पहले स्पेयर रिसोर्सेज हमेशा यूज करते हैं। अब सिचुएशन पता क्या बनेगी, अब सिचुएशन ये बनेगी 1,00,000 केजी में से 25,000 केजी किसके लिए प्रोड्यूस होगा, फॉर स्पेशल ऑर्डर। 75,000 केजी प्रोड्यूस होगा टोटल 3 बैचेस में प्रोड्यूस होगा, उसके बाद उसमें से 53,125 केजी स्पेशल ऑर्डर पे यूज हो जाएगा, बाकी हम कहाँ बेच देंगे, मार्केट में सेल कर देंगे, जो भी बाकी बचता है 28,000 समथिंग। तो हमारे ऑर्डर की डिमांड पूरी होगी ना, ऑर्डर की प्रोड्यूस पहले भी हो रहा था, अब भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अब प्रोड्यूस होकर मार्केट में बिक नहीं पा रहा, जितना नहीं बिक पा रहा वो सेल वैल्यू फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे आएगा। जी बताएं कितना है, 11,31,25 टोटल कर लें, 173,170,170,33,125 ऊपर जाके लिख लें, 170,33,125। सोल्यूशन तो बस इतना सा है, वो मैंने तो नीचे ऐसे डायग्राम समझाने के लिए बनाई है, सोल्यूशन तो इसका 3 लाइनों का है कि हमें टोटल 78,000 केजी चाहिए, पहले हम स्पेयर कैपेसिटी में से प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम मार्केट की डिमांड को सेक्रीफाइस करेंगे, दूसरे केस में हम क्या सेक्रीफाइस करेंगे, मार्केट की सेल, मार्केट की सेल। हाँ जी, सेक्रीफाइस मार्केट सेल, ये मैंने लिख दिया। जी बेटा कोई सवाल है, चलें आगे, ये मैं बेटा आदू के लिख रहे हैं तो ये जो डायग्राम बनाई है, चले बा ठीक है आगे चले। लेबर में वो क्या कहता है, लेबर जरा आसान है, लेबर में कोई इतने मसाइल नहीं है, मटेरियल में बच्चे गलती करते हैं इसमें। लेबर में वो कहता है एवरी 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर्स 150 घंटे, कितने यूनिट में 150 घंटे लगते हैं, 100 यूनिट्स बनाने पर 150 घंटे लगते हैं, तो मुझे तो एक यूनिट का टाइम चाहिए होगा, मुझे तो एक यूनिट का टाइम चाहिए, तो मैं नीचे जरा लिखता जाता हूँ, आप लोग भी लिखते जाएं, ये ऐसी डाटा पहले आपको वर्किंग थ्री होगा। घंटे लगेंगे 100 यूनिट बनाने पर, तो पर यूनिट टाइम है 1.5 आवर्स। आगे चलते हैं, ये सोल्यूशन नहीं है, ये अभी डेटा पर डे। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, वर्कर्स आर पेड एट द रेट ऑफ रुपए पर मंथ, ये फिक्स कॉस्ट की इंडिकेशन होती है, जब इस तरह लिखा हो ना, नो फिर वो काम करें इस पे या ना करें, आपने कुछ नहीं, 9,000 रुपए पर मंथ की वेजेस आप देते हैं, आपने महीने में 200 घंटे काम करना ही करना है, तो इसका मतलब है वर्कर ने अगर 9,000 रुपए की पे लेकर 200 घंटे काम करना है, तो वेजेस रेट पर आवर क्या निकल आएगा,
मैंने पढ़ा कहाँ से था, 100 यूनिट पर 150 घंटे लगेंगे, तो मैंने एक यूनिट का टाइम लगा लिया। वर्कर को 9000 पे किए जाते हैं और वर्कर ये लिखा हुआ है 200 घंटे काम करेगा। आइडल लेबर आवर्स आर पेड, आइडल लेबर आवर्स आर पेड एट 60% ऑफ नॉर्मल रेट। आइडल का मतलब क्या होता है कि वर्कर के पास अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो कंपनी फारिक टाइम में कितने पैसे देती है, तो ये पॉलिसी पहले से चल रही है, यानी ये जो फारिक टाइम होगा कंपनी ने उसके ऑलरेडी कितने पैसे दे दिए हैं। केस में रेलेवेंट रेट मैंने बताया था, रूल क्या होता है, जो रिमेनिंग 40% है वो रेलेवेंट होता है। वर्कर के पास करंटली कितने घंटे स्पेयर है, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले मटेरियल या लेबर में सबसे पहले ये देखते हैं घंटे कितने चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए, ये 20,000 मैं बाद में देखता हूँ, पहले ये देखें हमें अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए टोटल कितने घंटे चाहिए। अभी अब सोल्यूशन शुरू होने लगा है, ये तो मैंने डेटा पूरा किया था, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें अपने स्पेशल ऑर्डर के लिए टोटल घंटे कितने चाहिए, टोटल घंटे कितने चाहिए, एक यूनिट पे कितना टाइम लगता है 1 पॉइंट, और यूनिट्स कितने बनाने हैं प्रोडक्ट के, यूनिट्स कितने बनाने, मटेरियल 100% लगता है इन पे, लेकिन लेबर एफ को 60% लगती है, ये देखो लिखा हुआ यूनिट पे लेबर तो पूरी काउंट करेंगे, इन पे आप लेबर कितनी काउंट करेंगे 60%। तो अब आप ऐसे करेंगे 1.5 लाख यूनिट, एक 56 इकट्ठे नहीं ले सकते, 1.5 लाख यूनिट्स पे पूरे घंटे लगेंगे और जो 6,250 जाया वाले यूनिट्स हैं उन पे 60% लेबर आवर काउंट करेंगे। 60% कंप्लीट है तो 60% यूनिट्स के हिसाब से, या असल में यूनिट्स का 60% कर रहे हैं, तो 60% यूनिट कंप्लीट का टाइम निकल आएगा, ये गुड यूनिट्स का टाइम निकल आएगा, तो टोटल टाइम कितना आता है 2,30,625 होगा शायद, ये किन यूनिट्स का टाइम है, गुड यूनिट्स पे ये टाइम लगना है और ये लॉस वाले यूनिट्स का टाइम है। इकट्ठा क्यों नहीं किया मैंने, अगर इकट्ठा करना होता तो फिर वो इकट्ठे होने का मतलब था कि लेबर कर्मी उनके पूरी लग चुकी है, लेकिन उसने कहा लेबर या ओवरहेड कन्वर्जन कितने परसेंट लगी है 60%। अब ये घंटे आपको चाहिए, स्पेयर में से कितने पूरे करेंगे, आइडल आवर्स 20,000 है, बाकी रिमेनिंग के लिए कुछ नहीं बताया तो हम हायरिंग एज्यूम कर लेते हैं, कुछ ना बताया बाकी के लिए फिर आप हायरिंग एज्यूम कर लेते हैं, 2,10,000 माइनस करके 2,30 में से 20,000 चेक करें, इतने ही आते हैं, 2,30 में से 20 माइनस किए तो बाकी ये बचे, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब आपने इन दोनों की रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है, यानी 2,30,000 घंटे काम होना है। मैं ऐसे भी लिख सकता था जैसे अभी थोड़ी देर पहले मटेरियल के लिए लिखा था, टोटल 2,30,625 घंटे चाहिए, तो स्पेयर में से कितने पूरे करने हैं, आइडल आवर्स में से 20,000 घंटे पूरे होंगे और बाकी कुछ ना कहे तो हायरिंग एज्यूम कर लेंगे 2,10,625, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इन दोनों की लेनी है रेलेवेंट कॉस्ट, दोनों की क्या लेनी है, तो 20,000 घंटे ये आइडल है इंटू 45 रुपए पर, नीचे भी इंटू 45 रुपए पर आवर इंटू 40% क्यों लिया है, 60% तो हम फारिक टाइम में उनको पहले ही दे चुके होंगे, रिमेनिंग रेट रेलेवेंट होता है। टोटल कर ले, ये रेलेवेंट कॉस्ट है।
अच्छा, अगर आपको ओवर टाइम का डेटा ना दिया हो, डाइवर्जन का ना दिया हो, तो आप हायरिंग एज्यूम कर सकते हैं। ये मैंने हायरिंग एज्यूम किया क्योंकि बताएं, मैंने एज्यूम किया कि 2,10,000 घंटों के लिए हम 45 के रेट पर एडिशनल लेबर हायर कर लेंगे, पुरानी लेबर से काम नहीं कराएंगे क्योंकि पुरानी लेबर से काम कराना हो तो ओवर टाइम के पैसे ज्यादा होते हैं, वो दिए नहीं हुए। लिखें जी ऊपर जाके 9838125 वेरिएबल ओवरहेड्स पर आ जाए वो कितने हैं। उसने कहा वेरिएबल ओवरहेड 2,500 रुपए पर लेबर आवर है, 2,500 रुपए वेरिएबल ओवरहेड 2,500 रुपए पर लेबर आवर है। तो मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर स्पेशल ऑर्डर के कितने निकले थे, 2,30,625। ये ऊपर नहीं 12 निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें भी 60% का इंपैक्ट आ चुका है। लेबर आवर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, दोबारा भी उतने ही निकलेंगे। जी क्या आता है 5765 5765 5765 625। ऐसे ही है, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड पे आ जाए, आखिरी चीज है बस, फिर वो तो प्लस माइनस आपने खुद कर लेना है। एडिशनल फिक्स क्या कहता है जी, वो कहता है फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो कितने मिलियन के एस्टिमेटेड है। ये एडिशनल नहीं है, ये प्रेजेंट फिक्स्ड ओवरहेड है 22 मिलियन के, एडिशनल लिखा नहीं हुआ, तो फिक्स्ड ओवरहेड है 22 मिलियन के। वो कहता है इट इज एस्टिमेटेड दैट स्पेशल ऑर्डर वुड ऑक्यूपाई 30% ऑफ टोटल कैपेसिटी। जो आपने स्पेशल ऑर्डर करना है ना फैक्ट्री में, वो आप कितनी कैपेसिटी बाईस मिलियन, और जो आपका स्पेशल ऑर्डर है वो कितने परसेंट कैपेसिटी यूज करेगा। तो टोटल कैपेसिटी किसी भी बिजनेस की या किसी भी केस में टोटल कैपेसिटी कितने परसेंट होती है, टोटल कैपेसिटी कितने परसेंट होती है 100%। वो किसी को किस हद तक बढ़ा सकते हैं, 50% तक बढ़ा सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या इनकर करनी पड़ेगी, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट। कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज अप टू का मतलब होता है कि 50% या उससे कम जितनी आपको जरूरत है आप कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एडिशनल जो के रेलेवेंट होगी अगर हमें करनी पड़ी 1 point, यानी जिस रेट पे करंटली फिक्स कॉस्ट होती है उसके 1.5 गुना ज्यादा फिक्स कॉस्ट पड़ेगी। करंटली कितने परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है,
अब सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमें एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। अगर कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी, नहीं तो रेलेवेंट कॉस्ट जीरो, नहीं तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी, जीरो। हमारी टोटल कैपेसिटी कितने परसेंट है बताएं जी, टोटल कैपेसिटी कितने परसेंट है, टोटल कैपेसिटी कितने परसेंट है और करंटली कितनी यूज हो रही है? टोटल कैपेसिटी 100% है हमारे पास, उसमें सिर्फ करंटली जो यूज हो रही है वो 80% है, तो हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी कितनी है 20%। कितने परसेंट स्पेयर कैपेसिटी है, 20% स्पेयर कैपेसिटी है। कितने परसेंट स्पेयर कैपेसिटी है, 20%। अब आपका जो स्पेशल ऑर्डर है उस पे आपको वो कहता है स्पेशल ऑर्डर के लिए आपको 30% कैपेसिटी चाहिए। स्पेशल ऑर्डर के लिए कितने परसेंट कैपेसिटी चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि आप कितने परसेंट कैपेसिटी स्पेयर में से यूज करेंगे और कितनी कैपेसिटी इनहांस करेंगे। स्पेयर कैपेसिटी में से हम यूज करेंगे मेरा ख्याल है 20% और कैपेसिटी इनहांस कितनी करेंगे या बढ़ाएंगे कैपेसिटी कितनी, इसकी एडिशनल कॉस्ट पड़नी हमें। वो जो ऊपर वाली 20% है वो तो पुरानी कॉस्ट में से ही पूरी हो जानी है। एडिशनल फिक्स कॉस्ट आपको ये 20% की नहीं पड़नी, आपको जो एडिशनल कॉस्ट पड़नी है वो इस 10% की कैपेसिटी पे पड़नी है। एडिशनल फिक्स कॉस्ट इस पे पड़नी है, नहीं समझ आ रही? 30% कहां से आया? उसने लिखा हुआ था कि स्पेशल ऑर्डर वुड ऑक्यूपाई 30% ऑफ टोटल कैपेसिटी, तो भाई 30 है ना, 20 पुरानी में से यूज कर ले और एडिशनल कितनी चाहिए या कैपेसिटी इनहांस कितनी करनी पड़ेगी, 10%। अब आपने इस 10% की कॉस्ट निकालनी है, वो निकाल के इधर लिखनी है, तो हमारा जवाब आ जाना है इसका। ये मैंने पुरानी वाली की स्पेयर की नील क्यों लिया है, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट पूरी पे जो 22 मिलियन करनी पड़ रही है वो उसमें से ये यूज हो जाएगा, एडिशनल हमें रेलिवेंट होती है, पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट नहीं होती, एडिशनल फिक्स कॉस्ट पड़ेगी। इसने खुद कहा था कि इनहांस कैपेसिटी आप करेंगे, कर तो हम 50% तक सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ कितने परसेंट कैपेसिटी इनहांस करने की जरूरत पड़ी, तो अब आप 10% से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट लेंगे, तो वो कैसे निकलेगी? पुरानी फिक्स कॉस्ट कितनी है, पुरानी फिक्स कॉस्ट कितनी है, याद रखें जो पुरानी फिक्स कॉस्ट है वो 100% पुरानी कैपेसिटी के लिए थी, तो 22 मिलियन डिवाइडेड बाय पुरानी कैपेसिटी 100% थी, मल्टीप्लाइड बाय जो कैपेसिटी हम एडिशन रखना चाह रहे हैं वो कितनी है, और इस पे जो कॉस्ट पड़ेगी वो पुराने रेट का 1.5 times होगी, उसने कहा था। 22 मिलियन पुरानी टोटल कैपेसिटी के बदले आपने पे किया होगा 22 मिलियन 100%। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये मैं याद रखता हूँ कि फिक्स कॉस्ट जितनी भी आप पे कर रहे होते हैं वो 100% कैपेसिटी के लिए होती है। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, आपको 10% कैपेसिटी इनहांस करनी पड़ेगी, तो उससे रिलेटेड एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और वो पुरानी कॉस्ट का कितने टाइम्स होगी, 1.5 times। जी बताएं जी,
सॉरी टोटल कॉस्ट निकालेंगे प्लस इसमें ये प्रॉफिट करेंगे, तो ये टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यूनिट्स एक 56 से क्यों नहीं डिवाइड किया, 156 से इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि कस्टमर को जो डिलीवर करना है हमने यूनिट वो 1.5 लाख करने हैं, तो सेल प्राइस गुड यूनिट्स की होती है। सेल प्राइस कौन से यूनिट की होती है, जो कस्टमर से चार्ज करनी है वो गुड यूनिट्स की। ये ना इधर 56 से 156 से कर दें, असल में तो हमने 150 के लिए सारा सवाल करना था, वो मजबूरन हमें ये 3 रकमें 156 के लिए लेनी पड़ी। चले अब आप खुद निकालें सेल प्राइस पर यूनिट क्या आती है, मैं नहीं कर रहा, आप करें समझ। ये सवाल बहुत अच्छा है, ये आपको ये सूल सिखा रहा है कि पहले हमेशा स्पेयर रिसोर्सेज यूज करते हैं, फिर क्या यूज करते हैं, एडिशनली आपको हायर करने पड़े या इनहांस करने पड़े। तो जो घर से पढ़े होंगे उनके लिए आज मसला होगा क्योंकि नेट बार बार डिस्कनेक्ट हुआ है, पता नहीं कहाँ से बार डिस्कनेक्ट हुई, दोबारा मैंने कोशिश तो की है लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत रही आज इंटरनेट की तरफ से। कितना 229 पॉइंट, ये टोटल कॉस्ट कितनी आती है 359 36, प्रॉफिट कितना ऐड किया है 89 18, प्रॉफिट निकाला कैसे है, सेल प्राइस तो नहीं है, सेल प्राइस तो है ही नहीं, ये 100% है, ये 20% है, ये 80 है, तो दिस डिवाइडेड बाय 80 into 20 ऐसे ही किया है। अगर इसका डायरेक्ट 20% किया तो आप गलत हैं। हाँ जी 359368 डिवाइडेड बाय 80% इनटू 20 कर दो या इनटू 100 कर दो, चलो इसको जमा करो क्या आता है 449 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख करें 299 आता है 299.47 या 48 पर यूनिट, चेक कर ले जरा। अब इसमें मार्कअप रेट नहीं दिया हुआ, 20% ऑफ सेल प्राइस का है तो सेल प्राइस 100% होगी, कॉस्ट हमारी 80% है, कॉस्ट हमारे पास है ना, तो आपने कॉस्ट की मदद से निकालना है 229.47 ऐसे ही है। आप कहते हैं 229, अच्छा चलो ठीक है, ये अब सवाल आप कर लीजिएगा जितने रेलेवेंट कॉस्टिंग है, ठीक है, जितने भी सवाल, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन बड़ा सिंपल सा है, अब उसमें से आता भी जरा कम है लेकिन आता है तो हैवी सवाल। तो जरा लिख लें फिर आप लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, क्योंकि हमारी रेलेवेंट कॉस्टिंग असल में खत्म हो गई थी इससे पहले, लेकिन मैंने कहा था एक, तो हम अपना पहला टॉपिक खत्म कर चुके हैं डिसीजन मेकिंग का, विच इज रेलेवेंट कॉस्टिंग। आई कैप की बुक का सेपरेट चैप्टर था, वो हमने खत्म कर लिया। अब आई कैप की बुक का एक सेकेंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, अब उस चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिसीजन हैं, यानी जो अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, आई कैप की किताब के मुताबिक डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, और इसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म डिसीजन है, इनमें से कोई एक में से सवाल आना है आपको, इसी एक में से सवाल आना है। अब इसमें हमारे पास पहला डिसीजन जो है वो कौन सा है, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन है, दूसरा आउटसोर्सिंग डिसीजन है, तीसरा शटडाउन है,
आउटसोर्सिंग के बाद शटडाउन और आखिरी जो है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। इन चारों में से किसी एक में से आना है। लिमिटिंग फैक्टर के आगे से दो वर्जन है जो अभी इकट्ठे ही आते हैं, एक ही सवाल में ये दोनों वैरायटी आती हैं, विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर। अब ये इकट्ठा ही आता है एक ही सवाल में, दोनों इकट्ठे आते हैं, विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर और विद एक्सटर्नल सप्लायर। मेरे नोट्स में वैसे सवाल अलहदा अलहदा है दोनों के, लेकिन ऐसा भी सवाल है जो मिक्स होकर आया। तो हमने अब जो शुरू करने जाना है टॉपिक, उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। जी, जो हमारा नया टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का, वो कौन सा टॉपिक है? लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें टोटल चार स्टेप्स हैं जो आपने छापने हैं। तीन तो मस्ट है, चौथा वाला आपकी मर्जी है, मर्जी नहीं सॉरी रिक्वायरमेंट है, अगर हो तो कर लेनी, मर्जी तो चलनी नहीं हमारी। तो लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन आ जाए जी, लिखें, स्टार्ट करें। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन को प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। लिमिटिंग फैक्टर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा प्रोडक्शन का रिसोर्स जिसकी शॉर्टेज हो, कोई भी प्रोडक्शन का ऐसा रिसोर्स जिसकी इदारे को क्या हो, शॉर्टेज हो। एनी प्रोडक्शन रिसोर्स, एनी प्रोडक्शन रिसोर्स विद लिमिटेड सप्लाई या अवेलेबिलिटी। कोई भी ऐसा प्रोडक्शन का रिसोर्स, कोई भी ऐसा प्रोडक्शन का रिसोर्स जिसकी बेटा आपके इदारे को क्या हो, शॉर्टेज हो, और वो शॉर्टेज रिमूव भी ना हो सकती हो, खत्म ना हो सकती हो। कोई भी प्रोडक्शन का रिसोर्स हो तो उसमें मेन हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर आते हैं वो तीन होते हैं मोस्टली। या तो मटेरियल होता है, जो जिस टाइप का आपको मटेरियल चाहिए उस मटेरियल की क्वांटिटी, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए वो पूरी अवेलेबल उतनी नहीं है, उस क्वालिटी का उस कैटेगरी का मटेरियल जो आपको चाहिए वो कम अवेलेबल है, लिमिटेड अवेलेबल है। मटेरियल की क्वांटिटी लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, लेबर के घंटे लिमिटेड हो सकते हैं, लेबर आवर्स, और मशीन की कैपेसिटी। इन तीनों में से कोई एक या एक से ज्यादा भी लिमिटिंग हो सकता है। यानी इदारे को या तो मटेरियल की क्वांटिटी लिमिटेड मिल रही होगी सप्लायर से, या लेबर एक खास घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकती इदारे के पास, और नए बंदे भी नहीं रख सकते आप, तजर्बाकार बंदे वहां आराम से नहीं मिल रहे, या आपकी मशीन जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। तो आपके ये तीनों रिसोर्स या इन तीनों में से कोई एक शॉर्ट हो सकता है। ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स शॉर्ट है। कई दफा वो क्लियर बता देता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर क्लियर ना बताए तो हमें खुद वेरीफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? कोई भी रिसोर्स जिसकी शॉर्टेज हो इदारे को, जिसकी क्या हो, लिमिटेड सप्लाई हो। अब आ जाए लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन क्या होता है। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन क्या होता है? अब आपने डिसाइड क्या करना है, इसमें भी रेलेवेंट कॉस्टिंग इस्तेमाल होनी है, लेकिन कौन से स्टेप में इस्तेमाल होनी है वो मैं बता दूंगा। सारे स्टेप्स में इस्तेमाल नहीं होनी, एक स्टेप है जहां पे रेलेवेंट कॉस्टिंग बस यूज होनी है, ये भी रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पे कैलकुलेट सारा कुछ होता है। तो लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन क्या होता है, इसमें मैंने आपसे कहा इसके दो वर्जन है। पहला क्या है, विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर, और दूसरा वर्जन है उसका क्या नाम है, विद एक्सटर्नल सप्लायर। विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उस तरह की प्रोडक्ट बाजार से नहीं मिलती, बाजार से वो प्रोडक्ट वैसी। और विद एक्सटर्नल सप्लायर का क्या मतलब है,
जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसी तरह की प्रोडक्ट बाजार से भी मिल जाती है, अगर आपको जरूरत पड़े तो बाजार में भी उसका सप्लायर मौजूद है। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन यहाँ पे क्या होगा, असल में आपसे वो कहेगा तीन चार प्रोडक्ट है, इन तीनों चारों प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट बनाए लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कितने कितने यूनिट हर प्रोडक्ट के बनाए, बल्कि इदारे का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हाउ मैनी यूनिट्स, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन लिमिटेड रिसोर्सेस हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन लिमिटेड रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन In order to maximize total contribution and profit of company. सवाल में दो तीन प्रोडक्ट होगी और रिसोर्सेस की क्या होगी, शॉर्टेज होगी, तो वो आपसे पूछेगा बताओ हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट बनाए, हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट बनाए लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर के आपके इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो, और वो अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे, हम रैंकिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की, क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे। क्या पढ़ना है इस टॉपिक पे लड़की, बताएं प्लीज क्या पढ़ना है इसमें या क्या कैलकुलेट करना है, हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट बनाए, सारे नहीं बना सकेंगे, सारे क्यों नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की क्या है, शॉर्टेज, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल वैसे ही है, रिसोर्सेज जब भी शॉर्ट होते हैं ना और आप उस शॉर्टेज को खत्म ना कर सके तो उसी शॉर्टेज वाले रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपनी प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन यानी अपने यूनिट्स की प्रोडक्शन डिसाइड करेंगे कि हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाए कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर प्रोडक्शन भी हो जाए और इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो, ज्यादा हो। ऐसी प्रोडक्शन नहीं बनानी जिससे प्रॉफिट कम हो, प्रोडक्शन भी ऐसी बनानी है जो लिमिटेड रिसोर्सेज में बने और हमारे इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो, मैक्सिमाइज हो उसकी मदद से। जितने यूनिट आप नहीं बना पाएंगे ना वो आप बाजार से खरीद नहीं सकते, वो डिमांड आप जाया जाएगी, वो आप कस्टमर आएगा उसे माजरत करेंगे हमारे पास यूनिट ही नहीं है, हम आपको चीज डिलीवर नहीं कर सकते। इधर ये होगा कि आप जितने यूनिट खुद बना लेंगे ठीक है, बाकी आप क्या कर लेंगे, मार्केट से परचेज करके कस्टमर को दे देंगे, यानी इसमें सिर्फ आप मैन्युफैक्चरर हैं, इधर आप मैन्युफैक्चरर भी हैं और ट्रेडर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं और जो चीजें आप खुद बना लेंगे, बनाना आपकी प्रेफरेंस है, जो बना लेंगे ठीक है, जो प्रोडक्ट आप नहीं बना पाएंगे वो चीजें आप बना के कस्टमर को नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, खरीद के दे देंगे। ठीक है, इसमें ये है, तो इसमें आपसे सवाल की रिक्वायरमेंट ये होगी, हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली, इदारा कितने यूनिट खुद बनाए, हाउ मैनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली एंड सब कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर से बनवा ले, किसी और से ले ले। ठीक है, कितने यूनिट खुद बनाए और कितने बाजार से लेके कस्टमर को दे दे, इसमें रिक्वायरमेंट ही चेंज है, कितने खुद बनाए कितने बाजार से लेके दे दे, इधर क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर कितने यूनिट खुद बनाने हैं, इसमें आगे वही है within the limited resources भी है और to maximize total contribution and profit, इन दोनों में चार steps हैं, इन दोनों में कितने steps हैं, चार steps हैं, without limiting हो या with limiting हो, इन दोनों में चार स्टेप्स हैं, तो लिखें जी स्टेप, क्या अप्रोच है, स्टेप्स लिखें, अप्रोच
इसके स्टेप्स कितने हैं, अप्रोच क्या है, सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। तो इस क्वेश्चन में चार स्टेप होते हैं मैक्सिमम, बाकी आपकी मर्जी, आप जितने स्टेप शॉर्ट करना चाहें। पहला स्टेप होता है कि लिमिटिंग फैक्टर को वेरीफाई किया जाए कि असल में लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है, लेबर का टाइम है, क्या चीज लिमिटिंग फैक्टर है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मैं ये स्टेप हमेशा करता हूँ, कुछ बच्चे ये स्टेप पेपर में नहीं करते क्योंकि उन्हें क्लियर लिखा होता है कि ये चीज लिमिटेड है। अगर क्लियर लिखा हो तो आप ये स्टेप छोड़ सकते हैं, ये स्टेप क्लियर मेंशन होना कि क्या चीज शॉर्ट है, तो ये स्टेप आप छोड़ सकते हैं। मैं हर दफा ये स्टेप करता हूँ, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है, लेबर आवर है, या इन तीनों में से कौन सा एक या एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर है। उसके बाद आपने स्टेप नंबर टू में क्या करना होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना होता है टोटल में, नहीं पर यूनिट। ये स्टेप मस्ट है, हाँ जी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालना है और यहाँ रैंकिंग करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट हम पहले खुद बनाएं और कौन सी ना बनाएं। तो ये रैंकिंग करनी है कि हम कौन सी प्रोडक्ट पहले बनाएं और कौन सी बाद में, ये स्टेप मस्ट है। और इसी में रेलेवेंट कॉस्टिंग लगेगी, रेलेवेंट कॉस्टिंग भी इसी स्टेप में लगती है। ये स्टेप रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल के मुताबिक बनाना है, कोई भी ऐसी फिगर नहीं लेनी जो इररेलेवेंट हो, संक हो, नॉन कैश हो, इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल लगेंगे। तो स्टेप नंबर वन ऑप्शनल है, कभी होगा कभी, स्टेप टू मस्ट है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। इसी से रैंकिंग होनी है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूँ और रैंकिंग करेंगे। इसके बाद आप ऑप्टिमल प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान बनाएंगे कि कितनी क्वांटिटी खुद बनाएं और कितनी क्वांटिटी बाजार से परचेज करें। ऑप्टिमल प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान, अगर ये वाला केस होगा तो परचेज नहीं हो सकते, ठीक है, वहां लिख देंगे सिर्फ ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। अगर ये विद एक्सटर्नल सप्लायर वाला होगा ना, तो फिर हमारा प्रोडक्शन भी होगी और परचेज भी होगी। हेडिंग आपने उसके मुताबिक चेंज कर देनी है, खाली हेडिंग ये भी आ सकती है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। और स्टेप नंबर फोर में आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है एट ऑप्टिमल प्लान। और ये स्टेप भी तब करना है जब मांगा हो, क्लियरली मांगा हो, इफ रिक्वायर्ड। इनकम स्टेटमेंट छोटी सी बना के नेट प्रॉफिट निकालना है मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से। तो स्टेप नंबर टू और थ्री मस्ट है, स्टेप नंबर टू और थ्री मस्ट है। रेलेवेंट कॉस्टिंग सिर्फ कौन से स्टेप में लगेगी, स्टेप टू में, बाकी स्टेप नंबर फोर में जो प्रॉफिट निकालना है उसमें सब कुछ लिख सकते हैं, चाहे अब रेलेवेंट है चाहे इररेलेवेंट है, वो कोई मसला नहीं। हमेशा रेलेवेंट कॉस्टिंग कौन से स्टेप में लगनी है, स्टेप टू में। कितने स्टेप्स हैं, अब आपने ये चारों स्टेप्स कॉपी पेस्ट करने हैं बस, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसकी स्टेप्स की प्रैक्टिस करेंगे और एक सवाल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप इसके नोट्स लेके आइएगा नेक्स्ट टाइम, जब भी आए तो नोट्स लेकर आए। नहीं अभी कहाँ, अभी चैप्टर रहता है क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर रहता है भाई, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। रिकॉर्डिंग तो इसकी भी यूज कर रहे हैं, सुन नहीं पाएंगे आप, टाइम नहीं होगा आपके पास, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब अगर रिकॉर्डिंग ऐसे होगी तो फिर आपको ज्यादा मसला आएगा, जैसे आज हुई है, नेट का मसला था आज, बता नहीं क्या मसला था। अगर ऐसे होगी फिर आपने कहना समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह।